राउरकेला जरेकेला रेल रास्तार बिस्त्रा ठारे 10 घंटा धरी रेल रोक प्रतिश्रुति परे हटिला। 30 दिनर धारणा परे मुक्तिकांतंकु उठाई नेला पुलिस। शांतिपूर्ण आंदोलनकु पुलिस भंडूर करिथिबा अभियोग। ओडियांक हृदयरे कुमार पूर्णिमा पर्वर एक स्वतंत्र स्थान रहिछि श्री आतनु भूमिकंक उल्लेख। राउरकेलारे एसपी भिजिलांस विभागर नूतन कार्यालय गृह उद्घाटित। इनर ह्विल क्लब सदस्यंक श्रद्धा अनुष्ठान परिदर्शन और भाव विनिमय कार्यक्रम। असुस्थ माई हाथीर मृत्यु सन्देह घेरें रहस्य व्यवच्छेद परे जनापड़ सत्य। दुर्नीति निवारण सप्ताह पालन अवसर में शपथ पाठ कार्यक्रम। नवर्षीय नाबालक पुओ को दुर्बृत्त 8 दिन धरी अपहरण अकथनीय निर्यातना अभियोग। उत्तर भारतीय समन्वय कमिटी पक्षर विभिन्न प्रसंग को नहीं सांबादिक सम्मेलनी आयोजित। मुंबई हावड़ा मुख्य रास्ता अंतर्गत राउरकेला जरेकेला रेल रास्तार बिस्रा ठारे सोमवार सकाळु आरंभ होइथिला रेल रोक। बिस्रा रेल स्टेशन रे कोविड पूर्ववर्ती समय भली विभिन्न ट्रेन रहणी दाबी को नहीं होइथिला एही आंदोलन। बिस्रा पब्लिक एक्शन कमिटी संगठन माध्यम रे विभिन्न सामाजिक कर्मी और राजनैतिक दलर नेता माने रेल रोक सह विक्षोभ प्रदर्शन करथिले। ए कार्यक्रम रे बिस्रा अंचलर विभिन्न वर्गर साधारण जनता जोग देथिले। एथिपई स्थानीय अंचलर बजार और हाट आदि बंद रहिबा सह दोकान मध्य बंद रहिथिला। कोविड कटकणा दूर हेला परे मध्य एठारे कोनोसी पैसेंजर ट्रेन रहणी करुनथबा कुने बिस्रा रेल स्टेशन रे सकाळ 6:00 बिस्रा पब्लिक एक्शन कमिटी पक्षरु रेल रोको आंदोलन होइथिला। अनिर्दिष्ट काल पई एही बंद डाकरा दिया जाइथिले सुधा रेलबाई कर्तृपक्षक प्रतिश्रुति परे प्राय 4:00 समय रे आंदोलन प्रत्याहृत होइथिला। या जोगु स्टेशन रो उभय पटे अनेक मालबाही ट्रेन सह अन्यन्य यात्रीबाही ट्रेन अटकी रहिथिला। कोरोना महामारी पूर्वरु बिस्रा रेल स्टेशन रे उत्कल एक्सप्रेस, समलेश्वरी एक्सप्रेस, इस्पात एक्सप्रेस, तपस्विनी एक्सप्रेस, बोकारो आलिपी एक्सप्रेस आदि यात्रीबाही ट्रेन गुड़िकर रहणी हेउथबा परे कोरोना आळरे एही ट्रेन रो रहणी को उठाई दिया जाइथिला। 2 वर्षरु ऊर्ध समय धरी एही स्थिति जारी रहिथिबा अभियोग करिछंती स्थानीय लोके। शनिवार दिन रेल विभाग अधिकारी आलोचना विफल होगा पर बंद निष्पत्ति नियाजाइथिला। अन्यपक्षरे बिस्रा स्टेशन दे जिबा कुथिबा अनेक ट्रेन चलाचल को बातिल करा जिबा नै पूर्वरु रेलबाई पक्षरु सूचना दियाजाइथिला, किंतु आंदोलन प्रत्याहृत पर किसी ट्रेन चलाचल नहीं रेल विभाग पक्षरु सूचना दियाजाइछि। विशेषकर पुरी जिबा कुथिबा उत्कल एक्सप्रेस, हावड़ा जिबा कुथिबा 1, 2, 8, 6, 9 नंबर एक्सप्रेस एवं कंटाबांझी हावड़ा एक्सप्रेस सहित ऋषिकेश जिबाकु थिबा उत्कल एक्सप्रेस सहित हावड़ा टिटलागढ़ एक्सप्रेस स्वाभाविक भाव यात्रा करथिबा सूचना मिलिछे। ए आंदोलन जोगु सह सह रेलयात्री समस्या रे पड़िथिबा सूचना मिलिछे। ए आंदोलन रे पूर्वतन विधायक जॉर्ज तिर्किंक समेत स्थानीय अंचलर विभिन्न वर्गर नेतृस्थानीय व्यक्ति माने जोग देथिले। राउरकेला सहरर उपकंठरे थिबा देव नदी उपरे निर्माणाधीन पोलकु यथाशीघ्र संपूर्ण करिबा दाबी कु नै समाजसेवी मुक्तिकांत विश्वाल धारणा देउथिले। चलित मास 2 तारिखर पोल निकटरे 24 तारिख पर्यंत धारणारे बसिबा परे मुक्तिकांत गत 24 तारिखर आमरण अनशनरे बसिथिले। 30 तारिख अर्थात सोमवार दिन मुक्तिकांतंक अवस्थारे अवनति हेबा सूचना मिलिबा परे पुलिस और प्रशासन पक्षरु जोर जबरदस्ती मुक्तिकांतंकु धारणास्थलरु उठाई डाक्तरखानारे भर्ती करा जाइथिबा सूचना मिलिछे। अन्य पक्षरे धारणास्थलरे धारणारत व्यक्तिमानंकु धारणारु हटाइबा पई सेठारे थिबा तंबू और अन्यन्य सामग्रीकु पुलिस हटाई देथिबा अभियोग होइछे। ए घटनाकु नै पोल निर्माण परे एहादरा लाभान्वित होगा ग्रामवासी माने प्रतिक्रिया प्रकाश करिछन्ते।
ମୁଁ କହିବାଟା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଏତିକି ମୁଁ ଦେଖି ପାଉଛେ ଯେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଆଉ ଦେଖିକରି ଆମ ମନଟା ପୁରା ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ହେଲା ଦେଓନଦୀ ଦୋମହିଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ଆମର ଯଦି ଆଜି ବିଶ୍ୱାଳ ବାବୁ ବହୁତ ତକଲିଫରେ ସିରିୟସ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖିକରି ମନଟା ଆମର ବହୁତ ଖରାପ। ଆଜି ଆମେ ଦେହାତିର ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଝାଡ଼ର ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ଆମର ଗାଁ ହେଉଛେ ରେଙ୍ଗାଡ଼ବେଡ଼ା, ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛେ ମେନମେନା, ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଜି ଠାରୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମାନେ ଏଟା ବ୍ରିଜଟା ହେଇକିନି ପାରଲ, ଆଜି ଯଦି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆମର ବିଶ୍ୱାଳ ଏଠି ତପସିଆରେ ଦେଓନଦୀରୁ ବଡ଼ ନଦୀକେ ପହଞ୍ଚିବାକେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଜୀବନ ତାର କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିକରି ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ, ତାଙ୍କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ବି ଜୀବନଟା ହଟେଇ ଦେବୁ ହେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଆଜି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ସରକାର ଯଦି MP MLA ମାନେ ଯଦି ବହୁତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଯଦି ସିଢ଼ିଟା ପୁଲିଆ ଅଧା ବାଟରୁ ଯଦି ନାଇଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଟା ଯଦି ତୁରନ୍ତ କରିଦେବା ହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ଆଗର ଯଦି ନାଇଁ କରିପାରିବେ ସରକାର ହେଲେ ଏଇ ନଦୀଟା ଦୋମହିନ ଆମର ଯେନ୍ ମିଟକୁନ୍ଦରୀ ଠାରୁ ଆମର ଝାରଖଣ୍ଡ ହେଉଛେ ଆମର କୁନ୍ଦୁରଗୁଟୁ ଏଇ ନଦୀଟା ଆମକେ ଗୋଟେ ପରମିସନ ଦେଇଦେଉନ୍। ଆମେ ଯେନ୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ଏଠି ଜମିନ ଅଛୁ ଆଗରୁ ସେଇ ଜମିନର ଆମେ ଯେନ୍ ଏଇଠି ତିନ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଆମେ ସେଇ ପଇସାଟା ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ସୁଝେଇଦେମୁ, ଆମକେ ଠିକାରେ ଦେଇଦେଉନ୍, ପରମିସନ ଦେଇଦେଉନ୍, ଆମେ ବାଲା ବିଚି କରି ତାକୁ ଦେବା। ରବି ନାରାୟଣ, ତ କୋଉଠୁ ଆସୁଛ? ରେଙ୍ଗାଲବେଡ଼ା। ତ କେମିତି ଆସୁଛ? ସିଢ଼ିରେ ଚଢ଼ିକି ସାଇକେଲ ସାଇଡ଼ ଆସୁଛୁ, ତାପରେ ସାଇକେଲ ଛାଡ଼ିକି ସିଢ଼ିରେ ଚଢ଼ିକି ଆସୁଛୁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ବ୍ରିଜଟା ତିଆରି ହେଉନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବ୍ରିଜ ତିଆରି ହେବ ସେତେ ଭଲ ଆମ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 2 ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରୁ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ଏଠି ଧାରଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 24 କାଳ ଧାରଣାରେ ବସିଲା ପରେ ଏ ସରକାର ଚେତା ପଶିଲାନି। କେବଳ 2 ଜିନିଷ ହୋଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଗ୍ରାମସଭା କରାଗଲା, ଯେଉଁ ଗ୍ରାମସଭାରେ କିଛି ସମାଧାନ ବାହାରିଲାନି ଏବଂ ତାପରେ ଜନଶୁଣାଣି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବ ବୋଲି କହିକି ଗଲେ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲୁ। ଅଙ୍କୁରପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ପରିସର ଭିତରେ କୁହାଗଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏଠି ଜନଶୁଣାଣି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ସେଠି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଜନଶୁଣାଣି କରାଗଲା ଏବଂ ସେଠି କ'ଣ ତାର ସମାଧାନ ବାହାରିଲା କେହି କିଛି ଜାଣିପାରିଲେନି, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କିଛି ତାର ଆଭାସ ପାଇଲେନି। ଏବଂ 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ଏଠି ଧାରଣାରେ ବସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ନ ଭାଙ୍ଗିଲା ସେ 24 ଆଜି ଯାଏ ସେ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ 2 ନେଇ ଆଜି 30 ଭିତରେ ଏଠି କେବଳ ସରକାରୀ ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତୃବୃନ୍ଦମାନେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଏଠିକାର ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ କୁହନ୍ତୁ, ଆମ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପ୍ରଚାର କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଠି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏଠି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, 24 ଆଜି 30 ହୋଇଗଲା, 6 ପୁରୀ ଆଜି 7 ଆଜି ସିଏ ଯେଉଁ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଲେ ସେଥିରେ ସେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ଆମେ ଡାକରା ଦେଇଥିଲୁ ଆଜି ଝିରପାଣି ବ୍ରିଜକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ଶହ ଶହ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ସେ ତୁରନ୍ତ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ବାହାରୁଥିଲୁ ରୋଡ଼ ଅବରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ସେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ଆସି ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଡାକ୍ତର ଲଗାଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସମାଧାନ ବାହାରି ପାରିଲାନି। ଆମେ ଆପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଯିବୁ, ଆମେ ଆମର କଥା ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ କଥା ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳର ଶେଷ ହୋଇନି। TVS में चल रहा है पूजा महोत्सव, लो डाउन पेमेंट में ले जाइए TVS 125 एंड टॉक लेटेस्ट फीचर्स के साथ सिंक ब्रेक सिस्टम विद टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, इंडियाज फर्स्ट ब्लूटूथ कनेक्टेड स्कूटर विद इंजन किल स्विच टेक्नोलॉजी, ब्लूटूथ एनेबल्ड GPS नेविगेशन सिस्टम विद फोन कॉल इंडिकेटर्स एंड मेनी मोर फैसिलिटीज। एवरी परचेस पर पाए अश्योर्ड गिव। आज ही आए नियर मेफेयर गुरु गोविंद TVS राउरकेला। जय हिंद ज्वेलरी को आसंतो और पांतो, लो मेकिंग चार्ज, लाइफ टाइम सर्विस, इजी EMI।
फ्री ज्वेलरी इंश्योरेंस आउ लाइफटाइम सर्विस सहित बीआईएस हॉलमार्क थिबा ज्वेलरी तबे आसंतु 72 वर्षर निर्भरजोग्य अनुष्ठान जय हिंद ज्वेलरी मेन रोड राउरकेला। कुमार पूर्णिमा पर्वर ओडियांक हृदयरे एक स्वतंत्र स्थान रही कारण यह आमर ओडिशार समृद्ध सांस्कृतिक ऐतिह्य एवं माटी सहित निबिड़ भावे जोड़ी रही बोली आरएसपी भारप्राप्त निर्देशक अतन भौमिक कहते भंज सांस्कृतिक न्यास आनुकूल्य सिभिक सेंटर ठारे ओडिशार लोकप्रिय गणपर्व कुमार पूर्णिमा पालन उपलक्षे मनज्ञ सांस्कृतिक संध्या कुमार उत्सव राउरकेला इस्पात कारखाना भारप्राप्त निर्देशक अतनु भौमिक मुख्य अतिथि भाव जोगद उद्घाटन करते उत्सव में वरिष्ठ आरएसपी अधिकारी समेत दीपिका महिला संघतिर उपाध्यक्षा डॉक्टर सुस्मिता दास प्रभाती मिश्र यूनियन और अधिकारी संघर कर्मकर्ता विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठन सदस्यवृंद आरएसपी बहु वरिष्ठ अधिकारी एवं संस्कृति प्रेमी राउरकेलावासी उपस्थित थिले। उत्सव पालन उपलक्षे संपूर्ण सिभिक सेंटर को ओडिशार एक पर्व सहित संश्लिष्ट विभिन्न पारंपरिक रीतिनीति प्रतीक झोटी चिता सुंदर कलश और चारुकलारे सज्जित करा जायथिला। श्री भौमिक उत्सव पालन अवसर में ओडिया सिने जगतर अग्रणी संगीत निर्देशक श्री प्रेम आनंद एवं विशिष्ट लेखिका तथा कादम्बिनीर पत्रिकार संपादिका डॉक्टर इति सामंतंकु ओडिया साहित्य और संगीत जगतरे सेमानकर अतुलनीय अवदान निमन्ते कुमार उत्सव सम्मान 2023 सम्मानित करिथिले। ए अवसरें होइथिबा सांस्कृतिक कार्यक्रम पर्यायरे ओडिया सिनेमार वयोज्येष्ठ कंठशिल्पी तानसेन सिंह समेत जातीय स्तरीय विभिन्न टेलीविजन चैनल विभिन्न रियलिटी संगीत शो रे सुनाम अर्जन करथिबा लोकप्रिय ओलीवुड कंठशिल्पी शशांक शेखर एवं बहु प्रचारित ओडिया संगीत जगत रे श्रोतांक मन जिणीथिबा ओडिया सिनेमार अन्यतम लोकप्रिय कंठशिल्पी पमी मिश्र संगीत परिवेशन करथिले। नॉनसेंस मणि नामरे लोकप्रिय हास्यरस अभिनेता सुदेव महापात्रंक उपस्थिति ए संध्यार अन्यतम आकर्षण थिला। भंज कलाकेन्द्र कलाकारमानंक द्वारा गुरु नीलाद्री महांतिंक नृत्य निर्देशनारे कुआर पुनेई जह्नग नृत्य नाटिकार मनोरम उपस्थापना सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम आरंभ होइथिला। अनिल मल्लिक कार्यक्रम संयोजना करथिले। टेलीविजन परदार संयोजक पुष्पक सांस्कृतिक संध्या परिचालना करथिले। भंज सांस्कृतिक न्यासर समस्त कर्मकर्ता एवं सहरर विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनर सदस्य माने कार्यक्रम आयोजन रे सहयोग करथिले। राउरकेला रे तंकर भंज कला न्यास तरफ रे जे कुमार उत्सव पालन करचंदी बहुत सुंदर भाव रे सेमाने उत्सव पालन करचंदी एवं माते सुधर भुवनेश्वर डाकिथिले संबर्धित करबा पई बहुत भलो लागला माते कार्यक्रम जमी मैं सब जिन बहुत भल मुझे टी आगे कहली आम संस्कृति आम परंपरा एत बेस महत्व भरपूर से संस्कृति एवं परंपरार महत्व को रखी से कार्यक्रम पालन करेतु एथर कुमार पूर्णिमा दिन चंद्रग्रहण पड़ा कुमार पूर्णिमा दिन से ही भाव में कुमार उत्सव पालन करा पर बहुत सुंदर भाव में पालन कर बहुत भल लगुच। मोर ना है जीवन बल्लभ पट्टनायक साधारण संपादक भंज सांस्कृतिक न्यास राउरकेला। आमर प्रतिवर्ष जो भाई कुमार उत्सव पालन हुए गत काली जदियों कुमार पूर्णिमी थी तेणु ग्रहण जो आम गोटे दिन घुंचा बाध्यलु एवं रविवार दिन से आम आई दिन टी चॉइस करूँ प्रथम निष्पत्ति ग्रहण करूँ जे आम रविवार दिन ही 29 तारीख दिन ही आम कुमार उत्सव पालन करूँ। आज आम विशिष्ट संगीत निर्देशक प्रेमानंद एवं कादम्बिनी जोटा सारा ओडिशा फेमस मैगजिन कादम्बिनी संपादिका डॉक्टर इति सामंत यही दुईज ओडिशार एक ज्वलत तारका से दुईज को आम आज कुमार उत्सव सम्मान सम्मानित करूँ।
कार्यक्रम आम इंडिविजुअल करूँ बोली आपण को गत 22 तारीख प्रेस मीट आम ऑलरेडी क्लियर कर सारी आउ जो रहा कि अलग संगठन मैंने यही संगठन ना नौकर जहाँ किसी कर विषय आम किसी मतामत दे पारूनि आपड़ किसी दिन अपेक्षा करूँ सब जिन आप आखि आगे क्लीअर हो जा भाई मैंने अनेक प्रश्न धरिकी आसूँ जहाँ मुझे कह कथा जे बापा थे रुबेन सिंह स्वागत बापा भारी भल पाते स्पेशली कहे ता नाटा तानसन देवा माँ कहे तुम तो बंदिली पंजाबी अजा हूँ ब्राह्मण आ तुम करतार सिंह लाखन सिंह दौन कहते ना बापा कहे नाई नाई ताल तानसन ही दिए कहीं बापा जो गीत गाँव पिटी थापड़ी पटे ताला से तालटा मुझे पटे छड़ी बोले यारे जन्म गेले जा मधन सुना तोते देखे नाच रुमु झुमु परि कोन कोना ये ताला मारिली अभ्यास बापा पीठ से बाड़े तबे संगीत गोटे जिनस सागर प्रैक्टिस दरकार आ संगीत मुझे देखिली सब कहते परिष्कार प्रोनाउंसिएशन ना बढ़े क्लासिकल हो गजल ठुमेर जाओ कथाटा क्लीअर हद मु तुमको भल पाए लुचुड़ी जाओ मुझको बागने आस जो घृणा कै माँ भी जो गीत को न शुणी पारे मुझे गीत घृणा कै जननी जन्मस्थ स्वर्गदेवी गरीश शक्तिरूपण संस्थिता देवी रूपण संस्थिता कौन नाई पाखे तेणुक आजिकल लोक भूली जाखार एमती हो शुणा को बदल उच्चारण छाड़ शुणा को बदल तेणुक भल गीत किसी गातु बाजा बाजु ताला हो सुरेश्वरी हजी जा सी गोटे कथा मोर इच्छा से पे गोटे तानसन एकाडेमी खोलने भुवनेश्वर चेस्टा कर गवर्नमेंट क्वार्टर गोटे मिले से हुए पे भल भल गीत शिख देश मंडल देश जन भाई शुभु आधुनिक आधुनिक शुभु चंपू छात्र चंपा शुभु राउरकेलारे एसपी भिजिलांस विभाग नूतन कार्यालय गृह ओडिशार मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे उद्घाटित हो जाइछि। ए अवसर रे पश्चिमांचल पुलिस डीआईजी नीति शेखर राउरकेला एसपी मित्र भानु महापात्र सुंदरगढ़ जिलापाल पराग हर्षद गाभाली राउरकेला अतिरिक्त जिलापाल शुभंकर महापात्र एवं राउरकेला भिजिलांस एसपी देवनारायण दास उपस्थित थिले। पश्चिमांचल डीआईजी नीति शेखर उद्घाटन फलक को अनावरण करथिले। हे अवसर रे श्री नीति शेखर नागरिकों पर साधुतार शपथ पढ़ी सुनाइथिले। आम देश में आर्थिक राजनैतिक एवं सामाजिक प्रगति पथरे दुर्नीति ही सबुठारु बड़ प्रतिबंधक दुर्नीतिर मूलोत्पाटन र समस्त अंशीदार यथा सरकार नागरिक समुदाय घरोई क्षेत्र एकत्र होई कार्य करिबा आवश्यक बोली से कहिथिले। तेणु जीवनर प्रत्येक परिस्थिति रे आईनर शासन को अनुपालन करिबा आवश्यकता रहिछि। दुर्नीति संपर्कित कोनोसी घटना उच्च कर्तृपक्ष को अवगत कराइबा पई शपथ नेबा आवश्यक बोली श्री शेखर कहिथिले। इनर ह्विल क्लब राउरकेला रिवर्स साइडर सदस्यगण सेक्टर 16 थिबा दिव्यांगों प्रति समर्पित अनुष्ठान श्रद्धा को परिभ्रमण रे आसी सेठारे रहुथिबा अंतेवासीक सह भाव विनिमय करथिले। ए अवसर रे आयोजित एक सभा रे श्रद्धार संपादक कार्तिक पांडव इनर ह्विल सदस्यगण को स्वागत करिबा सह अनुष्ठान कार्यक्रम संपर्क रे सूचना प्रदान करथिले। ए कार्यक्रम रे इनर ह्विल क्लब रो अध्यक्षा ऋषिका बहादुर मुख्य अतिथि भाव जोगदे कहिले जे भिन्नक्षम मानंकु समाज रो मुख्य स्रोत रे शामिल करिबा पई आम समस्तंकर गुरु दायित्व रहिछे। सेमानंक मुहरे हस फुटेबाकु इनर ह्विल क्लब द्वारा यथा संभव साहाज्य सहयोग जोगाई दियाजिबो। ए अवसर रे अन्य समस्त सदस्य माने श्रद्धार अंतेवासीक सह सामूहिक भाव जन्मदिन रो केक काटिबा सह सेमानंक मध्यरे टी शर्ट और मिष्टान्न बंटन करथिले। ए कार्यक्रम रे इनर ह्विल क्लब राउरकेला रिवर्स साइड रो डॉक्टर मीनती पंडा प्रमिला मिश्र सुप्रिया महांती आरती पंडा मंजुबाला महापात्र सबिता महांती अनिता नायक
ଅଞ୍ଜଳି ହୋତା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନୁଷ୍ଠାନର ସୁଜାତା ରାଉତ, ଅଞ୍ଜଳି ମହାରଣା, ପ୍ରୀତି ବାରିକ, ରିନୁଲତା ମହାରଣା ଓ ଧୀରେନ ଓଝା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଶେଷର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ପାଣ୍ଡବ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସୋର ବନାଞ୍ଚଳ ଖୁଣ୍ଟାପଟଣା ବିଟ୍ ହାଉସ୍ ଅଧୀନସ୍ଥ ଦିଗି ଭଅଁରା ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ ଗତ ଚାରିଦିନ ଧରି ରହୁଥିବା ଅସୁସ୍ଥ ମାଇ ହାତୀଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଅସୁସ୍ଥତାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲା ବେଳେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି PPCF। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଟ୍ ହାଉସ୍ ଅଧୀନରେ ଗାର୍ଡ଼ମାନେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବାଘ ଗଣନା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲା ବେଳେ ଗତ 26 ତାରିଖରେ ଦନ୍ତରୁ ବିଟ୍ କର୍ମଚାରୀ ଏକ ମାଇ ହାତୀକୁ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଉକ୍ତ ହାତୀଟିର ମୃତ୍ୟୁ ବାଘ ଆମ୍ପୁଡ଼ା ବିଟ୍ ଅଧୀନ ଦିଗି ଭରା ଜଙ୍ଗଲରେ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସମେତ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ଓ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ହାତୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଅସୁସ୍ଥତାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଯେଉଁ ହାତୀଟା ଏବେ ମରିଛି ସେଇଟା 3-4 ଦିନ ହେଲାଣି, ତା'ର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା। ତ ଦେହ ଖରାପ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଯିଏ କଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଡିଟେକ୍ଟ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ବହୁତ ଟ୍ରାକ୍ ବି କରୁଥିଲୁ। ଆଉ କଲା ପରେ ତା'ର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଖାଇବା ପିଇବା ବି ଟିକେ କମ୍ ଏମିତି ଜଣାପଡ଼ିଲା ଟ୍ରାକିଂ କଲା ପରେ। ତା'ପରେ ଆମେ ଭେଟେନାରିଆନ୍ ଟିମ୍କୁ ବି ଡାକିଥିଲୁ, ତ ସେମାନେ ଆସିକି ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ପହର ଦିନ ଆସିଥିଲେ, ଅବଜର୍ଭେସନ୍ରେ ରଖିଲେ ତାକୁ। ତାକୁ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ରେ ରଖିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଜି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କାଲିଠୁ ଇନଫର୍ମ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଜି ସେ ଆସିଥିଲେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ। ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତା'ର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ସେଇଟା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କି କ'ଣ ପାଇଁ ସାର୍ କିଛି ଡିଜିଜ୍ ଥିଲା କି କ'ଣ, ସେଟା ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, 4 ଦିନ ହେଲା ବୁଲୁଥିଲେ ଆମେ, ମୁଁ ତ କହିବି ଆମେ ଯେତେ ଯେବେ ଟ୍ରାକ୍ କଲୁ ତାକୁ, ଫାଷ୍ଟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କଲୁ, ତା ସେତେବେଳଠୁ ତା ପଛରେ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଲାଗିଛନ୍ତି, ଟ୍ରାକିଂ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରପର୍। ତାପରେ ଆମେ ଉପରେ ଜଣେଇଛୁ, ତାପରେ ଆମର ଭେଟେନାରୀ ଟିମ୍କୁ ବି ଡାକିଛୁ। ଡାକିଲା ପରେ ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି, ନିଜେ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଡକ୍ଟର ସିଏ ନିଜେ କହିପାରିବେ କି ସିଏ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ରଖିବେ କି ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଔଷଧ ଦରକାର କ'ଣ ଦରକାର, ସେଇଟା ସେମାନେ କହିପାରିବେ, ତା ଉପରେ ଆମେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବାଟା ଠିକ୍ ହେବ। Gajanan Variety Store, a house of ready-made garment, textile and sarees, gents, ladies व kids का family fashion store। gents और ladies के ready-made garments में आपको चाहिए जो Gajanan Variety Store में सब है वो। महिलाओं के लिए bridal साड़ी, लहंगा, silk and fancy cotton संबलपुरी साड़ियाँ ही साड़ियाँ एवं सलवार सूट का लेटेस्ट कलेक्शन। रेमोन, सियाराम, अरविंद जैसी प्रसिद्ध कंपनियों की सूटिंग शर्टिंग, केलर, लोमेन, इंटरग्रिटी, ड्यूक, क्लासिक पोलो, जॉकी आदि कंपनियों के मेंस वेयर, लेडीज वियर, बॉयज, गर्ल्स एंड किड्स पार्टी वियर का सुपर कलेक्शन। याद रखें, हमारी कोई ब्रांच नहीं है, ओनली एंड ओनली गजानन वैरायटी स्टोर, पावर हाउस रोड, राउरकेला। मोबाइल नंबर। दुर्नीति निवारण सप्ताह पालन अवसर रे सुंदरगढ़ शपथ पाठ कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाएछि। माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आज दुर्नीतिर मूलोत्पाटन निमन्ते आभासी माध्यमरे समस्त जिला मुख्यालय तथा ब्लॉक मुख्यालय मानकरे आवासी माध्यमरे समस्त अधिकारी तथा कर्मचारी मानंकु साधुतार शपथ पाठ करैथिले। ए अवसररे सुंदरगढ़ जिला कार्यालयर ओसन कक्षठारे जिला आरक्षी अधीक्षक प्रत्युष दिवाकर, अतिरिक्त जिलापाल अभिमन्यु माझी, अतिरिक्त आरक्षी अधीक्षक सुरेन्द्र माझी, भिजिलांस विभाग सुंदरगढ़ शाखार DSP दैतारी घड़ाई, जिलास्तरीय अधिकारी, ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର ଅଧିକାରୀ ତଥା ଭିଜିଲାନ୍ସ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଶାଖାର ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶପଥ ପାଠରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ସମସ୍ତ ବ୍ଲକମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗଦେଇ ବ୍ଲକ ତଥା ସମସ୍ତ ତହସିଲର ଅଧିକାରୀମାନେ
ଏହି ଶପଥ ପାଠ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ଶପଥ ପାଠ କରିଥିଲେ। ନିଜ ଛୋଟ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ନ୍ତି କି, ପଡ଼ିପାରେ ମହଙ୍ଗା। ନିଜ ଛୋଟ ସନ୍ତାନକୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଭରସାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ନିଜ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ଶିଶୁକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇଥିବା ମାଆର ଉକ୍ତ ପୁଅକୁ 8 ଦିନ ଧରି ଅପହରଣ କରିନେଇଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। 8 ଦିନ ଧରି ଅପହରଣ କରି ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୋଠରୀରେ ରଖି ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ସହ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବିସ୍କୁଟ ସହ ଏକ ପାଣି ପାଉଚ। ଯେତେ କାନ୍ଦିଲା ନେହୁରା ହେଲା ସେତେ ଅଧିକ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 5-6 ଜଣ ଯୁବକ 8 ଦିନ ଧରି ଅପହରଣ କରି ରଖିଥିଲେ। 5-6 ଜଣ ଯୁବକ ନିଜେ ପିଉଥିଲେ ମଦ, ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଦେଉଥିଲେ, ଏକ ବିସ୍କୁଟ ଓ ପାଣି ପାଉଚ୍ ଦେଉଥିଲେ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଟିଟଲାଗଡ଼ ପୌର ପରିଷଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ନିବାସୀ ଗୀତା ବଗର୍ତ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅନ୍ୟତ୍ର ରହୁଥିଲା ବେଳେ ନିଜ 2 ଛୋଟ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ସେ ନିଜେ ପାଳି ଆସନ୍ତି। ନିଜ ବଡ଼ ପୁଅ ତପନ ବଗର୍ତ୍ତି ନାମକ 9 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ଲୋକେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ କହି ତାଙ୍କ ଭରସାରେ ଛାଡ଼ି କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଛୋଟ ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇଥିଲେ। ସେ ସେଠି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିଥିଲା ବେଳେ ଟିଟଲାଗଡ଼ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରୁ ଗତ 21 ତାରିଖରେ ଉକ୍ତ 9 ବର୍ଷୀୟ ତପନକୁ ଏକ ସ୍କୁଟି ଯୋଗେ ଅଜଣା 2 ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଉଠେଇ ନେଇ ଟିଟଲାଗଡ଼ DAV କଲେଜ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଗୃହରେ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ଏ ସମୟରେ ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ସହ ଭୋକ ଅପାସରେ ପ୍ରାୟ 8 ଦିନ ରଖିଥିଲା ବେଳେ ମାଡ଼ ଗାଳି ଯେତେ ଦେଉଥିଲେ। ଏନେଇ 29 ତାରିଖରେ ଅପହୃତ ଶିଶୁ ଓ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଶିଶୁଙ୍କ ସହ ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ ଥାନା ଓ ସେଠୁ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ହାଜିର ହୋଇ ସବିଶେଷ ବୟାନ ରଖିବା ପରେ ସେ ଟିଟଲାଗଡ଼ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଟିଟଲାଗଡ଼ ପୋଲିସ ଏନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ଟିଟଲାଗଡ଼ ଆମ୍ବବନ୍ଦ ପଡ଼ା ନିବାସୀ 2 ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ କିଏ, ଏନେଇ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ସହ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଦାବି ହେଉଛି। ପ୍ରକାଶ ଯେ ଟିଟଲାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦୟାମୟ ପାଢ଼ୀ ଉକ୍ତ ଅସହାୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅକୁ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ନେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ଯିବାକୁ 3,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଗିରିଶ ବାବୁ ମୋତେ ସକାଳ 12 ବଜେ ଭେଟି ନେଇଥିଲେ। 8 ଦିନ ତ କିଡ଼ନାପ୍ କରିଥିଲେ ନା, ଫ୍ଲାସ୍ରେ ଗୋଡ଼ା ଦୁବେଇଥିଲେ, ବାଡ଼ିରେ ପିଡ଼ିଥିଲେ। ଆର୍ ଇଟା ବାହିଛେ ତାକୁ ଆର୍ ନାପ୍ଲିଙ୍ଗ ଖାଇଦେଇଛେ ହେଲା କାମ ମନେ କରୁଛେ ହାତପଦାର ପିଲାମାନେ। ଆର୍ ପୋଲିସ ମାନକେ କହିଲେ, ପୋଲିସ ମାନେ ନିକେ ଉଲ୍ଟା ସୁଲ୍ଟା କହିଲେ। ତୋର ବାପାଙ୍କର ନାଁ କାଣ? ତମ ଘରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଥିଲେ ପୋଲିସ ଥାନାରେ? ବଲାଙ୍ଗୀର କାହାକେ ଜଣାଲ ତମେ ଯାଇକିରି? କିଏ ଜଣାଲା? ତାପରେ ତମକୁ କେନୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ? ରାତି କାମ ଛାଡ଼ି ଦେଲି ତ ମୁଁ ସାଇକେଲରେ ନିକେ ଆଣିକି ଘରକେ ମୋର ଦାଦା ମାନକେ ପଚାରିନି ମୋର ମା କେନ ଅଛି। ମୋର ମା ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଥିଲା ତ ସକାଳ 9 ବଜେରେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିନି ଆର୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ଗଲି। ମୋର ମାକେ କହିନି ତ ମୋର ମା ଏଣେ କେସ୍ ଜାଣି। 8 ଦିନ ତକ ତମେ ଯେନ୍ ଥିଲ ତମେ ଲୁଚିକିରି ପଳାଲ? ନାଇଁ, ଏମାନେ କହିଲେ କି ତୁ ନମ୍ବର ଆଣିଦେବୁ, କାର୍ଡ଼ଟା ନମ୍ବର ଆଣିଦେବୁ ଏନ୍ତା ବୋଲିକରି କହିଲେ। ଆର୍ ମୁଇଁ ବି କହିନି ହଁ ଆଣିଦେବି, ଏନ୍ତା ବାହାନା ବନେନି ତ ମୋତେ ରାତି କା ଛାଡ଼ିଲେ ତ ମୁଁ ଯିପାରିନି। ତୁମେ କହିଥିଲେ କି ତୋତେ ମାରିଦେବୁ, ଚକୁ ଚୁକା ଦେଖେଇଦେବି। ଆଉ ଏନ୍ତା ବୋଲିକରି କହିଥିଲେ ଘରେ କାଣ ଅଛେ ବୋଲିକରି ବେଟି ବୁଟା ଆଣିବୁ ଆମେ କେଦେବୁ ଆମେ ବିକିଦେବୁ ବୋଲିକରି କହିଥିଲେ। ଟିଟଲାଗଡ଼ ଥାନାକେ ଗନୁ, ଓଲ୍ଟିଆ ଆମ୍କେ କହୁଛନ୍ ନାଇଁ କେନ୍ତା ଧରି ନେଲେ, କେନ୍ ଆଡ଼ୁ ନେଲେ, କେନ୍ତା କଲେ, ତମେ କେନ୍ତା ଜାଣିଲ ଏନ୍ତା ବୋଲିକରି। ଇ ବାବୁ କହିଲେ ନାଇଁ ତୁଇ କେନ୍ତା ହେଟା କରୁଛୁ, ଟିକା ହେଲା ଠକୁଛୁ,
आरो इन लोक मैंने नहीं सुनी आ गया बोल के कहला के केनता नहीं सुनबे एटा तो लेटरिंग ई पाखे अछे केनता नहीं सुनबे बोल के बाबू के का भी कोतिले तुम जगह देखा ला पुलिस को हां हां जगह देखे नहीं आकर पूरा से लास्ट घर आड़े जे के पूरा देखा गला आकर पकन लोग मन के कहले तो हमने कहले के नहीं तो काम तो अच्छे में चेन चली छे नहीं चलब तो हमने ठुक ठुक कोई जत की काम तो बहुत दिन चली छे मैंने जबरदस्ती कुछ नहीं काम चालू थीला तो ते इने केनता रखी थीले ई बाबू पहला काम नहीं चालू थे कामटा बंद थीला तब आखर पाखर लोग के पोछरे गले बाबू संगे जे सन लोग कहले नहीं चालू थे बंद देखा थीला काम तो से माने कछन नहीं चालू एका थीला सिरमेट सिरमेट काली चालू करछन कि आज चालू करछन जे सिरमेट भीगे थीले हमर कथा आज तुम सुनो हम के तो उल्टा पुलिस बोलछ तुम मिच कहछ तुम केस करी सिना देलो हैरान रे पड़बो उल्टिया तुम ठकू छो एंता संता बोली के उल्टिया हम के धमको छो राउरकेलार 10 हिंदी भाषा संगठन को नहीं गठित मुख्य संगठन उत्तर भारतीय समन्वय कमिटी पक्षर अमर भवन में एक सांबादिक सम्मेलन आयोजित हो कार्यक्रम 15027/28 गोरखपुर हाटिया मौज एक्सप्रेस को राउरकेला पर्यंत संप्रसारण एवं 18181/82 टावे टाटा एक्सप्रेस को टाटारु राउरकेला संप्रसारण करने एपर्यंत करा प्रयास विषय सूचना दी जाए सांबादिक माने पचारी एक प्रश्नर उत्तर में तुम्हें परवर्ती समय कौन कर सूचना दी जाता जे उपयुक्त समय अपेक्षा करने समस्त अनुष्ठान निज मध्य आलोचना करें निष्पत्ति ने समस्त लोक नियम एवं नियमावली अनुसरण करने को जाउछंती यथासंभव सठिक रास्तार जीवाक चेष्टा करिवे एवं केवल बाध्यतामूलक भाव अन्य किछि विकल्प आड़क जीवे जेउठारे आमे एते दशंधि धरी अपेक्षा करथिलु सेठारे आउ किछि समय ठीक अछि सेइबळी ट्रेन नंबर 18181/82 टाटा एक्सप्रेस को राउरकेला पर्यंत संप्रसारण मामला अनेक दिन धरी समाधान होइ परु नाही बर्ष बर्ष धरी रेलबाईर उदासीनता को नहीं मिलित भाव आंदोलन आवश्यकता जोगु आमे माने कार्यरत अछु बोली सूचना दी जाए ए सांबादिक सम्मेलन रे वेद प्रकाश तिवारी अरुण सिंह कृष्ण सिंह सुधीर मिश्र अजित सिंह यादव विपिन तिवारी शिवलाल सिंह सच्चिदानंद शर्मा व्यतीत पिंकु जयसल देबू सिंह सुमेर सिंह प्रमुख उपस्थित थे मु वेद प्रकाश तिवारी उत्तर भारतीय समन्वय कमिटी गोटे सदस्य हम लोग आज का प्रेस मीट बुलाए थे मेनली मौर्य एक्सप्रेस का राउरकेला एक्सटेंशन हटिया से और थावे टाटा का राउरकेला एक्सटेंशन टाटा से ये दोनों मुद्दे काफ़ी पुराने हैं लगभग 25 साल से तो हमारे पास डॉक्यूमेंट है 25 साल से भी पुराना मुद्दा है लेकिन ये मुद्दा अभी तक ठंडे बस्ते में है हमने बहुत प्रयास किया बारंबार सबको लिखा अपने अपने स्तर पे कि गाड़ी वहाँ आके खड़े रहती है 10 घंटे 12 घंटे सवेरे आ जाती है शाम तक खड़े रहती है तो राउरकेला एक्सटेंशन होना चाहिए लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं है हुई 2011 में एक प्रस्ताव साउथ ईस्टर्न रेलवे ने रेल मंत्रालय को भेजा था मौर्य का 15027/28 मौर्य एक्सप्रेस का राउरकेला एक्सटेंशन जब जोन से प्रस्ताव गया इसका मतलब वो फिजिबल था हर एंगल से सबसे बात कर लिया गया उसमें ये लिखा है कि DRUCC मेंबर रांची से बात कर लिया गया हर जोन से बात कर लिया गया उसके बाद प्रस्ताव को भेजा गया इसके साथ जम्मू तवी के प्रपोजल के साथ जम्मू तवी बढ़ गई और ये नहीं बढ़ पाई किसी कारण से जो भी हुआ मामला मंत्रालय में क्यों लटका क्या लटका ये पता नहीं चला अब ये जानने के लिए हमने सूचना के अधिकार का प्रयोग किया और उसमें पता चला कि रेलवे का जो मामला है कि ट्रेन को चलाना उनका काम है और समय पे न चलाने के कारण उस गाड़ी को राउरकेला तक नहीं बढ़ाया जा सकता अगर बढ़ाया गया है तो और देरी होगी ऐसा कहा गया रेलवे के द्वारा 2011 में 2020 में फिर रेलवे ने ये कहा कि भाई डबल लाइन हो जाए हटिया राउरकेला सेक्शन में तो इस गाड़ी पर हम लोग विचार करेंगे
तीसरा रिप्लाई अभी आया सितंबर में कि नहीं ये पाथ का इशू है और फिजिबल नहीं है। तो तीन बार तीन तरह का रिप्लाई से समझ में नहीं आता है कि रेलवे कहाँ झूठ बोल रही है कहाँ सच बोल रही है। हम कंफ्यूज और परेशान हैं। हमने अभी स्टेशन मैनेजर के माध्यम से माननीय मंत्री जी को ज्ञापन दिया है 10 संस्थाएँ मिलके, और उम्मीद है कि हमारे शांत स्वभाव वाले और मृदुभाषी मंत्री जी इस पर कोई ना कोई निश्चित रूप से एक्शन लेंगे और इतनी पुरानी मांग को जरूर हम मान लेंगे। देखिए इफेक्ट के लिए भी उस लेवल का एजिटेशन होना चाहिए जब अधिकारी वापस बैरंग लौट जाएं और लोग डटे रहें। जब अधिकारी रहेंगे और लोग लौट जाएंगे तो नहीं होगा, यही हो पाए। मामड़ा में यही हुआ, बिलपाड़ में यही हुआ। चलता हुआ गाड़ी को अगर आप रोक देंगे तो लोग जाएंगे कैसे? आप कुछ तो व्यवस्था करेंगे। तो ये तकलीफ़ तो लगता है, गलत तो है, लेकिन मजबूरी है। शायद यहाँ भी वही करना पड़े, देखते हैं। कुछ एक रिजनेबल टाइम इंतजार करने के बाद फिर आई का रणनीति हम लोग तय करेंगे। ज़्यादा घी नहीं निकलता है तो टेढ़ा करना पड़ेगा, मजबूरी में। हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन इससे पहले नौगांव भी हुआ था, एहराम को जी जी जी, उसमें कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा।